पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में जो घटना घटी है इससे पूरे बंगाल कांप उठा है। जो कि कोलकाता के हरिजिकर मेडिकल कॉलेज में हुआ ये घटना आखिर किसके साथ हुआ, ये हादसा कब हुआ और किसने किया, और भी बहुत सारे सवाल है जो आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं राहुल महतो एज ए कंटेंट क्रिएटर। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वो दिन था 9 अगस्त 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच हुआ ये हादसा। कोलकाता के मशहूर आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हुआ ये हादसा। मौमिता देवनाथ के साथ हुआ रेप जो कि बहुत ही भयानक था। मौमिता देवनाथ जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी डॉक्टर बनने के लिए आए थे आरजेकर मेडिकल कॉलेज। उस दिन भी प्रतिदिन की तरह मौमिता देवनाथ अपना नाइट ड्यूटी खत्म करके रात 2 बजे सेमिनार हॉल में पहुंचता है रेस्ट करने के लिए। बट शायद उस रात उनका आखिरी रात था। उस दिन मौमिता देवनाथ का रेप हो जाता है और जान से मार भी देता है। सुबह जब उनका डेड बॉडी मिलता है लगभग 11 बजे के बीच, तभी से पूरे कोलकाता में और सोशल मीडिया में हड़कंप मची हुई है। मैं मौमिता देवनाथ की हर चोट और जख्म की कहानी यहाँ सुनाने लग जाऊँ तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। दोनों आंखें घायल थी, खून बह रहा था, मुंह से भी खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों हाथों की उंगलियां के नाखून भी जख्मी थे, पेट पर भी चोट थी, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता के टेनी डॉक्टर के आरोपी संजय राय ने इससे भी ज्यादा जख्म दिए हैं, जिनका खुलासा टेनी डॉक्टर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हुआ है। अगर सिर्फ इन्हीं जख्मों के बारे में सुनने से आपको बुरा लग रहा है तो जरा सोचिए जिसके साथ ये हुआ उस पर क्या बीती होगी। जब मौमिता देवनाथ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है इस रिपोर्ट में साफ हो गया कि इनके साथ कैसे दर्दनाक मौत दी गई थी। रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। आरोपी संजय राय ने मौमिता देवनाथ के साथ सारी हदें पार कर दी। 9 अगस्त की मिडनाइट में करीब 1 बजे आरोपी संजय राय हॉस्पिटल में आता है जहां उसने खूब शराब पी और अधिक मात्रा में पोर्न वीडियो देखते रहे। सुबह करीब 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच शराब के नशे में सेमिनार हॉल में घुसता है जहां उसने टेनी डॉक्टर को सोते हुए देखा। संजय राय ने मौमिता को दबोचने की कोशिश की लेकिन वो जाग गई। मौमिता ने खुद को आरोपी से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन संजय राय उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था शराब के नशों में। संजय एक जानवर जैसा बन चुका था। टेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसने हर जख्म का हिसाब दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौमिता के शरीर में जितने भी घाव है वो उसे तब मिले जब वो खुद को आरोपी से बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूट चुका था। आरोपी ने उसके चश्मे पर मुक्के मारे थे जिससे उसके चश्मे के टुकड़े टूट कर उसी के आंखों में घुस गई थी। इसी वजह से पीड़िता की दोनों आंखों से खून बह रहा था। उसे भयानक दर्द हो रहा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका संघर्ष तब भी जारी था। उनके चेहरे और नाक पर जो जख्म मिले वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। टेनी डॉक्टर ने खुद के बचाव में आरोपी को नोच भी दिया था लेकिन संजय राय ने उसके दाएं हाथ की रिंग फिंगर को तोड़ दी। इस संघर्ष में डॉक्टर की उंगलियों के नाखून जख्मी हो गई थी। डॉक्टर घायल होकर भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन भयानक दर्द के चलते वो कुछ देर के बाद बेहोश हो जाते हैं। रिपोर्ट की माने तो डॉक्टर की प्राइवेट जगह पर जो जख्म के निशान मिले हैं वो तब आए जब मौमिता बेहोश हो चुकी थी और संजय राय उसका रेप कर रहा था। वहीं इसके बाद आरोपी ने जो किया इसने इस टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। मुझे बताते हुए घिन आ रही है लेकिन बताना जरूरी है और आपका जानना भी जरूरी है। डॉक्टर के पैरों को इस हद तक जख्म कर दिया था कि उसकी हिप बोन टूट गई और यही वजह थी कि डॉक्टर की वजाइना से खून बह रहा था। मौमिता की डेड बॉडी जिस हालत में मिली वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पीड़िता के साथ ये सब कुछ मौत से पहले किया गया था। डॉक्टर शोरनामा चाहे इसलिए आरोपी ने उसके मुंह को दबा दिया था। नशे में संजय को ये भी पता नहीं था कि कब उसके हाथ डॉक्टर के मुंह से हटकर उसके गर्दन पर चले गए और कब उसने पीड़िता का गला दबा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौमिता की मौत गला घुटने से हुई है। रेप करने के बाद आरोपी ने दोबारा पीड़िता का गला दबाया ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश ना रहे और उसकी वजह से डॉक्टर की गर्दन की हड्डी टूट गई है। 40 मिनट के अंदर संजय ने ये सब कुछ कर दिया। जब संजय हॉस्पिटल से निकला उस वक्त सुबह के 4:37 हो रहा था। उसके बाद वहाँ से निकला और अपना रूम चला गया जहाँ जाकर उसने पहले कपड़े धोए और सारे खून के दाग मिटा दिए और सारे सबूत मिटा दिया। वो नहाया और सो गया। फिर 9 अगस्त को 11 बजे जब हॉस्पिटल का स्टाफ सेमिनार रूम में पहुंचा था उन्हें डॉक्टर की डेड बॉडी मिली और फिर हड़कंप मच गया। यही नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है। मौमिता की बॉडी में डॉक्टरों को 151 ग्राम सीमन मिला है और इतना सीमन आमतौर पर एक पुरुष से नहीं निकलता। ऊपर से डॉक्टरों को यह भी शौक है कि संजय के साथ इस क्राइम में कोई और भी शामिल था क्योंकि मौमिता की डेड बॉडी ऐसी थी कि संजय का अकेले में उस पर काबू पाना मुश्किल था। और इन दोनों बातों की वजह से सबको ये शौक हुआ है कि मौमिता का गैंगरेप हुआ है। फिलहाल सीमेन सैंपल को जांच के लिए भेजा जा चुका है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। संजय राय ने जो किया है उसके लिए तो फांसी की सजा भी कम है। फिलहाल सीबीआई के पास ये मामला चला गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी संजय राय को कोर्ट से कोई ऐसी सजा सुनाए जिससे आरोपी की रूह कांप जाए। बाकी आपके सजेशन हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह लेटेस्ट और डिटेल्स वीडियो मिल सके। अब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।